उपवास व्रत रख कल्पसूत्र सुना। टांडा जैन संप्रदाय के पर्युषण पर्व के चौथे दिन कल्पसूत्र का वाचन हुआ। इस अवसर पर सुहागन महिलाएं चुनरी पहनकर मंदिर आई तथा उपवास व्रत रखकर कल्पसूत्र को सुना। इस शास्त्र में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का जीवन परिचय एवं उनके जीवन काल की घटनाएं सम्मिलित है। पर्व के तीसरे दिन बुधवार को तरुण परिषद द्वारा कल्पसूत्र का चढ़ावा लेकर भक्ति भावना की गयी। चौथे दिन कल्पसूत्र का चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। तत्पश्चात आराधना भवन में शास्त्र वाचक पर्व छाजेड़ पारा एवं राज संघवी अहमदाबाद को विनय बापना परिवार ने चढ़ावा लेकर शास्त्र वोहराया। पश्चात शास्त्र वाचन प्रारंभ हुआ। इस दिन विशेष रूप से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र एवं परिवार की सुख शांति के लिए उपवास व्रत रख शास्त्र श्रवण करती है। धार जिले के टांडा से नरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। जैन धर्म का महान पर्व के अंतर्गत अहिंसा के प्रणेता विश्व शांति के प्रचारक और भगवान महावीर स्वामी के जन्म वाचन का मंगलमय कार्यक्रम जैन सेशन टाणा द्वारा सानंद पूर्वक मनाया गया। इसमें माता पिछला के 14 सपने की बुलाईजी लगाकर विभिन्न लाभार्थियों ने लाभ लिया है और यह कार्यक्रम बड़े उत्साही जैन सेशन के द्वारा नगर के अंदर जुलूस के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के जन्म वाचन के जुलूस के माध्यम से पूरे नगर पर भ्रमण करता हुआ पुनः टांडा पधारा है। सभी श्री संघ के महानुभाव ने बहुत ही उत्साह और उमंग से भाग लिया है। श्री संघ का अमूल्य उसमें सहयोग प्रदान किया है। अभी साथ ही इस उपलक्ष्य में मामा भांजा परिवार द्वारा श्री संघ का स्वामी स्थल रखा गया है। आप सभी सादर आमंत्रित।